भक्त राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के नाम के आगे तो हमेशा कांग्रेस अध्यक्ष लगता है, तो ये शिव भक्त क्यों? तो हम बता दें आपको, राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल आ रहे हैं और उनके आने से ठीक पहले हम जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे अगर आप देखें तो उनके स्वागत के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें राहुल गांधी के साथ शिव भक्त शब्द को सबसे ऊपर जोड़ा गया है। और शिव भक्त इसलिए, हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी की है राहुल गांधी ने, 34 किलोमीटर पैदल चले थे, और अब जब भोपाल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिस रास्ते से होकर के उनका रोड शो गुजरेगा हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं, और ये पोस्टर जो है हर किसी की नज़र में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी का नाम जो है वो धार्मिकता के साथ भी जोड़ा गया है। पंडित गिरीश शर्मा स्थानीय पार्षद है और इन्होंने ही ये पोस्टर लगाया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिव भक्त। जरूरत क्यों पड़ी आपको? राहुल गांधी जो है, अगर हम सिर्फ राहुल गांधी लिखते तब भी पहचान तो उनकी आई जाती सामने, शिव भक्त लिखना आपको क्यों लगा जरूरी? भगवान शिव का आशीर्वाद जिस पर होता है उसे जीवन में सब कुछ मिलता है। कैलाश मानसरोवर की इतनी लंबी यात्रा, इतनी कठिन यात्रा और इतनी कठिन परिस्थितियों में आज देखिए कि आज का वर्तमान वातावरण राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आज उस दौर में कहीं ना कहीं माननीय श्री राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, शिव का आशीर्वाद मिलेगा, शिव का आशीर्वाद उनके साथ सदा से है। शिव त्याग चाहते हैं और गांधी परिवार त्याग की प्रतिमूर्ति है और शिव के परम भक्त वही होते हैं जो त्याग और तपस्या के बल पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो आपका तर्क है गिरीश जी, लेकिन अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश है, हिंदू बहुल राज्य है, बड़ी तादाद में हिंदू वोटर है और ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व का जो फॉर्मूला गुजरात पे अपनाया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक उसी तर्ज पर अब कांग्रेस ने इस पोस्टरों के जरिए तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भी उसका फॉर्मूला कमोबेश सॉफ्ट हिंदुत्व वाला ही रहेगा, जैसा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। रवीश पाल सिंह, भोपाल।